हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे थे हमारी ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस और इस ज्योग्राफी ऑप्शनल में हम लोगों ने ह्यूमन ज्योग्राफी को फिनिश करके पेपर टू इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट किया था। इस पेपर टू इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करने में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था हमारा ज्योग्राफिकल टाइम स्केल के बारे में और फिर हम लोगों ने बेसिकली इस ज्योग्राफिकल टाइम स्केल के जरिए इंडियन फिजियोलॉजी में या फिर इंडिया में किस तरीके से स्ट्रक्चर एंड रिलीफ में चेंजेस आए हैं ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, काफी डिटेल में देखा था और कई लोगों ने बताया भी कि काफी अच्छा समझाया गया है, थैंक यू फॉर दैट। बाकी देखिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग और स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिसको कि आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट्स रेज करने के लिए। आई विल सजेस्ट यू टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, गो देयर एंड ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक। स्टार्ट करने से पहले दीज आर आवर अवेलेबल कोर्सेज जिसको आप प्रिलिम्स और मेंस के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक प्रिलिम्स लॉकडाउन सीरीज भी चल रही है जिसमें कि पूरा का पूरा जीएस प्लस जीएस रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर, पास्ट ईयर क्वेश्चन, ये सारा कुछ डिस्कस किया गया है। तो अगर आप प्रिलिम्स की प्रिपरेशन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यू कैन गो देयर एंड चेक आउट द सीरीज, काफी डिटेल में डिस्कस्ड है। चलिए खैर, इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज, दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। ओके, हम लोगों ने अगर देखा जाए क्या चीजें देख ली है तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी स्ट्रक्चर एंड रिलीफ के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस फिजियोग्राफिक रीजन। तो फिजियोग्राफिक रीजन के बारे में देखेंगे हमारे पास क्या कुछ है, कैसे हमें पढ़ना है, क्या चीजें हैं। सबसे पहले देखें अगर फिजियोलॉजी को कि हमारे पास फिजियोग्राफी है क्या। तो बेसिकली फिजियोग्राफी डील्स विद द स्टडी ऑफ सरफेस फीचर एंड लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ ऑन द टेक्टोनिक हिस्ट्री स्ट्रैटिग्राफी एंड फिजियोग्राफी। इंडिया में भी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फोर फिजियोग्राफिक रीजंस। तो बेसिकली पहले समझ लेते हैं फिजियोग्राफी का मतलब क्या है। फिजियोग्राफी का मतलब होता है बेसिकली फिजिकल स्ट्रक्चर एंड रिलीफ, दिस इज द सिंपल मीनिंग, फिजिकल स्ट्रक्चर एंड रिलीफ। जब भी कहीं पर भी आप जाएंगे इधर यू क्या आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, या तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे वहां पर कोई माउंटेन होगी, या फिर आप देख रहे होंगे कि यहां पर प्लेटू होगी, या फिर आप देख रहे होंगे कि ये प्लेन एरिया होगा, या हो सकता है वहां पर कुछ अपलैंड एरिया हो या हाईलैंड एरिया हो, ये भी हो सकता है। इसके अलावा आइलैंड्स हो सकते हैं, इसके अलावा कोस्टल एरियाज हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास एक तरीके की क्या हो गई, बेसिकली दिस इज फिजिकल स्ट्रक्चर एंड रिलीफ। अलग अलग तरीके की रिलीफ हमें देखने को मिल रही है। ऑब्जर्विंग दिस फिजिकल स्ट्रक्चर एंड रिलीफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू दीज फॉलोइंग फोर स्ट्रक्चर्स या फोर चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी चीजें, एक इसमें आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं एलिवेटेड पेनिनसुलर रीजन, इसके अलावा द माइटी हिमालयाज एंड देयर एसोसिएटेड यंग फोल्ड माउंटेन, थर्ड वन आ जाती है हमारी इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स आ जाती है, और लास्ट में हमारे आ जाती है कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। हम लोग आज की क्लास में देखेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक, जो पहला टॉपिक है एलिवेटेड पेनिनसुलर रीजन। बाकी के टॉपिक को हम लोग सक्सेसिवली आगे क्लासेस में देखते रहेंगे। अगर बात करते हैं हम लोग पेनिनसुलर इंडिया के बारे में, तो पेनिनसुलर इंडिया का मतलब हो जाता है द पार्ट जो कि बाद में इंडिया अलग से जुड़ा हुआ है। तो दिस वॉज द बेसिकली द पार्ट, और यहां पर इस तरीके से ये हमारी नॉर्थ ईस्ट की रीजन आ जाती है, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट की रीजन आ जाती है, तो दिस इज हाउ द थिंग वॉज। बाकी यहाँ पर टेथिस सी हुआ करती थी और अल्टीमेटली यहाँ पर हमारी यूरेशिया की पार्ट हुआ करती थी। तो ये वो रीजियन है, ये वो पेनिनसुलर एरिया है जिसको कि हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस पेनिनसुलर इंडिया के बारे में बात करें कि हमारे पास चीजें क्या क्या हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट एक जो कि विंध्या को अरावली से अलग कर रहा होता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारी विंध्यास आ जाती है, फिर यहाँ पर देखिए छोटा नागपुर प्लेटू हो जाता है, फिर यहाँ पर हमारी मेघालय प्लेटू आ जाती है, शिलोंग प्लेटू भी इसको बोलते हैं हम लोग, फिर हमारी ये पूरी की पूरी रीजन हमारे ईस्टर्न घाट में आ जाती है, ये रीजन हमारी आ जाती है वेस्टर्न घाट में आ जाती है, फिर हमारे पास यहाँ पर कुछ अपलैंड एरियाज आ जाते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर विद इन दिस पेनिनसुलर इंडिया। इसको वन बाय वन करके हम लोग देखना शुरू करते हैं। देखिए इस तरीके के जो टॉपिक आएंगे वहां पर दो क्वेश्चन आ सकते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है सीधे सीधे आपसे पूछ देगा कि डिस्कस द ओरिजिन एंड फिजियोग्राफी ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, तो यहां पर आपको जो जो चीजें बतानी होंगी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरे जो टाइप का क्वेश्चन हो सकता है वो हो सकता है सेलियंट फीचर को लेकर के, कि आप बताइए जो हमारी पेनिनसुलर इंडिया है उसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो देखिए दिस वन इज वेरी स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड टॉपिक, और स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आपको आंसर भी लिखना होता है, यहां पर कुछ ऐसे दाएं बाएं वाली चीजें नहीं है।
डिस्कशन करने में अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्मार्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों ने देखिए बड़ी मेहनत करके ज्योग्राफिकल टाइम स्केल को याद किया है, ज्योग्राफिकल टाइम स्केल को हम लोगों ने याद किया है। इसी को हम लोग कंटिन्यूअसली यूज करेंगे अपने इस टॉपिक में। कैसे यूज करेंगे देखिए, आपको सबसे पहले दिखानी होगी, जहां पर भी आप बात करेंगे वहां पर सबसे पहले आपको बतानी होगी लोकेशन के बारे में। लोकेशन का मतलब जो मैप मेकिंग में हम लोग बात कर रहे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या है इसके आसपास, सब आप बेसिकली यहां पर बताएंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ज्योग्राफिकल टाइम स्केल में जो भी आपको टाइम पीरियड लगता है, आप उस टाइम पीरियड के पहले नियरली जरूर जोड़ेंगे, नियरली इन दिस पीरियड। क्यों? क्योंकि आप कंफर्म नहीं है कि यही चीज होगी, तो नियरली जोड़ करके आप अपने आप को बचा सकते हैं, सेफ साइड में गेम प्ले कर सकते हैं। तीसरी चीज आप बताएंगे यहां पर कि यहां पर मेटालिक मिनरल्स कौन कौन से हैं या फिर नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन कौन से हैं। तो ये आपको देखिए एक आइडिया होना चाहिए कि मेटालिक मिनरल्स कहाँ पे है, कैसे है, क्या चीज है। क्लियर हो गया क्या है? तो ये बेसिकली तीन पॉइंट्स होंगे जो आपको आंसर लिखने में काफी मदद कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए टॉपिक काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग कोशिश कर रहे हैं आसान बनाने की। अब देखिए लोकेशन तो आप आराम से पता कर लेंगे, एटलस वगैरह देख करके आपको आराम से चीजें ध्यान आ जाएंगी क्या चीज कहां पर है, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो हमारे जीएस के क्वेश्चन में भी कवर हो जाता है। जो हमारी जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ये तो हम लोग पर डे बेसिस पे ही देख ही रहे हैं और हम लोगों ने क्लासेस देख भी रखी है इसकी, तो आपको एक आइडिया भी लग गया होगा। और धीरे धीरे विद द टाइम हम लोग जब इसको यूज करना शुरू कर देंगे तो आपको सारी की सारी जो मुद्दे हैं वो याद हो जाएंगे कि पूरी कार्बोनिफेरस क्या है, क्रिटेशियस क्या है, तो जितनी भी चीजें हमें सारी याद हो जाएंगी विद द टाइम। लेकिन हमारा ये जो मेटल एंड मतलब कि मेटालिक मिनरल या नॉन मेटालिक मिनरल है इसके बारे में कैसे देखा जाए, इसके बारे में तो कोई सीन नहीं पता है, याद करना पड़ेगा। नहीं, देखिए यहां पर भी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं जिसके जरिए आप मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल दोनों ही आप यूज कर सकते हैं, दोनों ही चीजों में आपका ये काम कर जाएगा मिनरल वाली चीज। देखिए कुछ कुछ ट्रिक्स बताऊंगा मैं, और देखिए वो बेसिकली क्या है कि कौन सा स्टेट किस लिए ज्यादा जाना जाता है। अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आप नेबरहुड से एक आइडिया लगा लेंगे कि किस रीजन में क्या मिलने वाला है। जैसे मान लीजिए कि राजस्थान के बारे में बात किया जाए तो राजस्थान में आप याद कर लीजिए कि जिंक लेड से घर बनाओ, एक ट्रिक है ये कि जिंक लेड से घर बनाओ, जिंक लेड से घर बनाओ। अब देखिए जिंक लेड से घर बनाओ का मतलब क्या चीज है, मतलब इसका ये है कि जिंक का मतलब तो सीधे सीधे जिंक हो गया, लेड का मतलब सीधे सीधे आप पीवीसी निकाल लेंगे, घर बनाने का मतलब क्या हो गया, घर में क्या क्या चीजें लगती हैं, घर में लगती है हमारी लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का मतलब क्या हो गया, मार्बल से घर बनाया जाता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, आप चीजें देखते होंगे माइका लगा रहता है, तो ये सब चीजें बेसिकली क्या हो जाती हैं, घर बनाने से रिलेटेड हो जाती हैं। इसके अलावा आप क्या बोलेंगे, घर बनाने के लिए चाहिए होता है सीमेंट, और सीमेंट किस चीज से बन रहा होता है, ये बन रहा होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। तो एक तरीके से आप यहाँ पर चीजें बता देंगे कि यहाँ पर जिप्सम वगैरह सब कुछ ये पाया जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द मिनरल्स जिसको कि आप बताएंगे कि यहाँ पर चीज है। इसके अलावा खेतरी माइन के बारे में आपको पता ही होगा, तो आप बता देंगे कि यहाँ पर कॉपर भी पाया जा रहा है। तो आपको एक आइडिया लग गया कि कौन कौन से मिनरल्स यहाँ पर पाए जाएंगे। बाकी देखिए कुछ चीजें आप बड़े ही कॉमन तरीके से बोल सकते हैं कि जहां पर भी देखिए, जहां पर भी आयरन पाया जाएगा, आयरन के साथ साथ निकिल, एयू, एजी, ये सारे के सारे एक साथ आएंगे। अब ऑब्वियसली यहां पर क्या है, कुछ खास गोल्ड माइंस वगैरह है नहीं, इसलिए यहां पर कुछ ऐसा पाया भी नहीं जाता है। छोटी मोटी चीजें आप हमेशा ही कहीं पर भी निकाल सकते हैं, बट दैट आर नॉट द, कह सकते हैं कि कुछ खास होते नहीं है, लेकिन ये हमारे इस इलाके के लिए खास हो जाते हैं। तो जिंक लेड से घर बनाओ, ये आपका काम चल जाएगा जब आप राजस्थान के बारे में बात करेंगे। अगर जब आप उड़ीसा के बारे में बात करेंगे तो उड़ीसा में क्या है कि आप जो आपकी ट्रिक है वो है ऑल क्रो आयरन मांगो, ऑल क्रो आयरन मांगो। अब देखिए ऑल मतलब क्या हो गया, एल्यूमिनियम, क्रो मतलब क्या हो गया, क्रोमियम, आयरन मतलब सबको पता है आयरन, मांगो का मतलब हो जाता है मैग्नीज। तो यहां पर जनरली आप देखेंगे तो दिस इज ईदर मेटालिक और नॉन मेटालिक, तो बेसिकली मेटालिक मिनरल्स यहां पर ज्यादा आपको मिल जाएंगे अगर बात करते हैं उड़ीसा की। तो दीज आर सम ऑफ द मिनरल्स जहां पर आप कहेंगे कि चीजें, आप देखिए आयरन है तो आयरन है, सीधी सी बात है निकिल, एयू, एजी, ये साथ में मिलेगा ही मिलेगा इस उड़ीसा में अगर बात करते हैं। तो इस तरीके से हमें एक आइडिया लग गया कि मिनरल्स कहां पर कैसे हैं। तीसरा अगर बात करते हैं, अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में देखिए कुछ खास नहीं होती है, कॉपर पाई जाती है, डायमंड पाई जाती है। तो दीज टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स हियर, ठीक है। फिर इसके बाद आप आ सकते हैं हमारे झारखंड में, तो झारखंड देखिए एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर सब कुछ पाया जाता है, सब कुछ, और इस सब कुछ में हमारे पास
यूरेनियम भी आ जाता है, जादूगोड़ा माइंस वगैरह यहां पर है तो यहां पर यूरेनियम भी आ जाता है। क्लियर हो गया क्या है? कर्नाटक के बारे में बात करेंगे तो कर्नाटक में देखिए, आंध्र प्रदेश में ये सब क्या है, डायमंड के लिए भी कुछ हद तक जाना जाते हैं और मोस्टली है गोल्ड, आयरन और निकेल। तो देखिए ये वाली जहां पर भी गोल्ड आपको पता होगी, आयरन निकेल सिल्वर और गोल्ड एक साथ ही आ जाएगा। तो यहां पर निकेल आ गया है, गोल्ड आ गया है, सिल्वर ले लेते हैं और बाकी ये सब चीजें हो जाएंगी। दिस इज बेसिकली AG सिल्वर हो गई। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग गया बेसिकली कि कहां पर क्या चीज पाया जाना है विद रिस्पेक्ट टू दिस मिनरल। मिनरल के रिस्पेक्ट में मतलब मेटालिक मिनरल के बारे में बात कर लिए। अगर नॉन मेटालिक के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली कोल को हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं कहां पाया जाएगा। तो देखिए कोल जो पाया जाता है वो आपको आइडिया है कि छत्तीसगढ़ के एरिया के रिस्पेक्ट में पाया जाएगा। तो कोल क्या है, उड़ीसा में भी पाया जाएगा, कोल मध्य प्रदेश में भी पाया दिया जाएगा, फिर झारखंड में यहां पर भी पा दिया जाएगा, फिर उसके बाद क्या है कर्नाटक में यहां पर भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि हमारे पास कुछ एरियाज हैं जहां पर हमें कोल वगैरह मिल जा रहे होते हैं। अब हमको केजी बेसिन के बारे में भी पता है, केजी बेसिन में नेचुरल गैस है तो वहां पर भी आप बता देंगे दिस इज कर्नाटका एंड हियर यू विल गेट नेचुरल गैस ऑल्सो। यहाँ पर नेचुरल गैस भी आपको मिल जाएगा। तो आपको एक बेसिकली आइडिया लग गया कि कहाँ पर कौन से मिनरल कैसे मिलेंगे। अब आपको कभी जिंदगी में भूलेगा नहीं अगर इस ट्रिक को आप कंटिन्यूअसली सोचते हैं समझते हैं तो। क्लियर हो गया? ओके, चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं जनाब हमारा पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट। यस, अब देखिए पेनिनसुलर इंडिया के बारे में बात करें तो देखिए द ओरिजिन ऑफ रॉक्स ऑफ पेनिनसुलर रॉक्स आर बिफोर द कार्बोनिफेरस एज। अब ये हम लोग बेसिकली अभी फिलहाल सिस्टम देख रहे हैं, अभी इस सिस्टम को हम लोग अपने पूरे उस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बिठाएंगे। तो देखिए कार्बोनिफेरस एज आता है हमारा बीच में और इट वॉज द पार्ट ऑफ गोंडवानालैंड। तो गोंडवानालैंड के बारे में पता जाती है। अगर हम लोग देखते हैं, देखिए हमारा पूरा का पूरा चार्ट है, अगर कार्बोनिफेरस एज के बारे में बात करें तो दिस इज बेसिकली रिलेटेड हियर। तो यहां पर आ जाती है पैलियोजोइक के पास में, ये आ जाती है हमारी कार्बोनिफेरस। मैप में अपने चेक करिए, मतलब कि जो हम चार्ट बनवाए थे चार्ट में चेक कर सकते हैं आप, कार्बोनिफेरस यहां पर आ जाएगा। तो कार्बोनिफेरस एक ऐसा एज है जहां पर हमारी क्या बन रही होती है, जो ओरिजिन ऑफ रॉक्स ऑफ पेनिनसुलर रॉक है। अगर बेसिकली थोड़ा देखा जाए यहां पर तो देखिए दिस इज आर्कियन। आर्कियन में क्या है कि पेनिनसुलर इंडिया अभी भी सी के अंदर में ट्रांसग्रेशन में नहीं आई है। तो बेसिकली क्या है, अभी मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है। दिस इज कनेक्टेड विद अफ्रीका, तो अभी मूवमेंट नहीं हुआ है, ये अभी रुका हुआ है। धारवाड़ से क्या होती है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और यहां से धीरे 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 के मेटामॉर्फोस्ड सेडिमेंटरी रॉक ये निकलना शुरू हो जाता है। कटप्पा ये तो केवल और केवल आंध्र प्रदेश के रीजन का लोकल हो गया, तो इसको हम लोग कुछ खास देखेंगे नहीं, लेकिन विंध्यन रेंज में जब आ जाएंगे तो यहां पर हमें पता चल जाएगा कि नाउ द टाइम हैज कम व्हेन द डेक्कन ट्रैप इज गोइंग टू हैपन। तो गुड डेक्कन ट्रैप वाली चीज यहां पर आ जाती है। फिर अल्टीमेटली मोस्टली जो हमारा पूरा का पूरा ये डेवलपमेंट हुआ है साउथ इंडिया पेनिनसुलर इंडिया का, वो आता है हमारे कैम्ब्रियन और गोंडवाना के बीच में। तो बेसिकली ये है जहां पर कार्बोनिफेरस से चीजें शुरू हो रही होती हैं। तो दिस इज द रॉक, जो ओरिजिन है पेनिनसुलर की वो इज नॉट आर बिफोर द कार्बोनिफेरस एज एंड इट वॉज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट पेनिनसुलर इंडिया नेवर सबसाइडेड अंडर द सी परमानेंटली टिल आर्कियन एज। तो आर्कियन इससे पहले टूटा नहीं था, ट्रांसग्रेशन नहीं हुई थी, सी के अंदर में डूबा नहीं था एंड इट वॉज मोर रिजिड स्टेबल एंड हैज रिमेंड ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड बाय द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। तो अभी कुछ भी ऐसा प्रोसेस नहीं हुई थी, जो भी फॉल्टिंग होने वाली है वो सारा का सारा फॉल्ट होगा अपने आगे आने वाले एज में। तो इसके बाद से आगे हमारी एज आ जाती है धारवाड़ एंड गोंडवाना और यहां पर हमारी ब्लॉक फॉल्टिंग एंड डिस्प्लेसमेंट वगैरह स्टार्ट हो जाता है एंड दिस इज हाउ द फॉल्ट वैल्यू ऑफ नर्मदा ताप्ती एंड सोन रिवर अब यहां पर बनना शुरू हो जाती है। बेसिकली वो एज कौन सा होता है, वो एज होता है हमारा विंध्यन एज में। तो धारवाड़ से बेसिकली ये स्टार्ट माना जाता है और इस तरीके से यहां पर विंध्यास उठ जाते हैं और हमारी जो कह लीजिए कि सोन है या फिर हमारी जो नर्मदा है या फिर हमारी जो ताप्ती है, इसका फॉल्टिंग होना शुरू हो जाता है एंड दिस इज हाउ द ब्लॉक माउंटेन यहां से एक तरीके से अपवार्पिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अपवार्पिंग एंड डाउन वार्पिंग का जो सिस्टम है वो यहीं से स्टार्ट होता है विंध्यन फॉर्मेशन से। आपको जब भी आंसर लिखना होगा तो आप स्टार्ट करेंगे आर्कियन से, आर्कियन के बाद आप बनाएंगे धारवाड़ और यहां से आप स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद आप बताएंगे कडप्पा, जहां पर कुछ खास आपको डेवलपमेंट नहीं दिखेगी लेकिन डेवलपमेंट बेसिकली दिखेगी कहां, विंध्यन एज में। तो विंध्यन के बाद बेसिकली आ जाएगा आपका कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस में चीजें आप देखेंगे और अल्टीमेटली आप पूरा का पूरा ये पेनिनसुलर इंडिया बना लेंगे। तो इट वॉज ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस पीरियड दैट कोल वॉज फॉर्म्ड इन द दामोदर सोन एंड गोदावरी बेसिन। तो यहां जो हमारे पास
कह लीजिए कि इस कार्बोनिफेरस पीरियड में जो भी हमारे पास रीजन आ जाते हैं, रीजन कौन कौन से आ जाते हैं, रीजन आ जाते हैं हमारे ये कैम्ब्रियन रॉक्स, ये कैम्ब्रियन रॉक और ये जो गोंडवाना सिस्टम है ये बेसिकली कोल्ड बेल्ट के लिए जाना जाता है और कोल्ड बेल्ट अभी ही डेवलप होना शुरू हो जा रही होती है। तो ड्यूरिंग द क्रिटेशियस पीरियड जो कि आगे की पीरियड है, लार्ज स्केल वोल्केनिसिटी प्रोड्यूस इन द डेक्कन ट्रैप कंप्राइजिंग लावा शीट ऑफ सेवरल थाउजेंड मीटर इन डेप्थ। द डेक्कन ट्रैप ओरिजिनेटेड व्हेन द मैग्मा फ्लोड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ अबाउट 40 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। अब यहां पर अगर चीजें देखेंगे तो देखिए स्टार्ट होती है हमारी, अगर फिर से एक बार देखा जाए तो देखिए स्टार्ट हो रही है हमारी इस धारवाड़ से, इससे पहले जस्ट आर्कियन में क्या हो रहा है, इनिशिएशन हो जा रही है। तो आप बोल सकते हैं दिस इज द इनिशिएशन, इनिशिएशन का मतलब बैकग्राउंड बन रहा है, भूमिका बनना शुरू हो गई है। यहां से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद यहां पर कुछ खास डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता नहीं है। यहां पर क्या होती है, फॉल्टिंग स्टार्ट हो जाती है और फॉल्टिंग के बाद बेसिकली सोन नर्मदा ताप्ती यहां पे फॉल्ट बन करके उठना शुरू हो जाते हैं, अप वार्पिंग एंड डाउन वार्पिंग स्टार्ट हो चुकी है। फिर आगे बढ़ता है कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन का मतलब कि कार्बोनिफेरस एज में, कार्बोनिफेरस एज और गोंडवाना एज में अब क्या होता है कि डेवलपमेंट और बेटर तरीके से स्टार्ट हो जाती है और यहां पर जो मेटामॉर्फिज्म है ये मेटामॉर्फिज्म बेसिकली लेड टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, लेड टू फॉर्मेशन ऑफ कोल। इसके बाद आगे क्या होता है, क्रिटेशियस पीरियड आती है और इस क्रिटेशियस पीरियड में बेसिकली वोल्केनिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और इस वोल्केनिक एक्टिविटी से डेक्कन ट्रैप बन जाता है और साथ में ट्रांसग्रेशन ऑफ द सी होना शुरू हो जाता है। अब ये सिस्टम आ गया है कि जहां पर अब ये मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की मूवमेंट करने में, ये रीयूनियन आइलैंड के पास जैसे ही आता है वैसे वैसे वोल्केनिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है। इनफैक्ट वोल्केनिक एक्टिविटी आपकी अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में जब रहता है तभी से स्टार्ट हो जाती है और अल्टीमेटली आगे टूट करके जब निकलता है तो अब ये स्टार्ट हो जाता है बेसिकली यहां पर ट्रांसग्रेशन ऑफ सी। तो दिस इज हाउ द सिस्टम मूव। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो क्रिटेशियस तक हमें चीजें समझ में आ गई हैं कि कैसे मूव कर रहा है। तो बेसिकली देखिए आपको पूरा का पूरा स्केल याद होना चाहिए, अगर स्केल याद रहेगा तो आप एकदम मजे में ही रहेंगे, सारे आंसर आपके इस चैप्टर के बहुत आराम से लिखे जा सकते हैं। आगे बात करेंगे तो देखिए इट इंक्लूड्स द एंटायर साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, अरावली, राजमहल हिल्स, मेघालय प्लेटू, कच्छ काठियावाड़ रीजियन। इट इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल लैंडमार्क ऑफ इंडिया। तो दिस इज हाउ द होल इंट्रोडक्शन, या कह सकते हैं कि जो ओरिजिन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया है वो हम लोगों ने देख लिया आपने इस पूरे के पूरे स्केल के माध्यम से, इस पूरे सिस्टम से। तो इस तरीके से हम लोगों ने चीजें देखी हैं, जो लास्ट क्लास में देखी वही हम लोग देख लिए हमारे इस पेनिनसुलर इंडिया में किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। यही हम लोग कंटिन्यूअसली इस चैप्टर में करेंगे, जब भी आगे हिमालय के बारे में बात करेंगे, जब भी आगे कोस्टल एरिया के बारे में बात करेंगे, या फिर जब भी आगे हम लोग ग्रेट प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। अब देखिए हमारा एक काफी इंपॉर्टेंट एक क्लासिफिकेशन आ जाता है प्रोफेसर एस पी चैटर्जी के द्वारा, काफी इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो इंडियन फिजियोग्राफी है उसको आप डिस्कस करिए, द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फिजियोग्राफी या पेनिनसुलर इंडिया की फिजियोग्राफी डिस्कस करिए, जो कि डॉक्टर या फिर प्रोफेसर एस पी चैटर्जी ने बताया। तो आपको ये पूरा का पूरा चार्ट आपको बताना पड़ेगा कि दिस इज हाउ द प्रोफेसर साहब ने आठ रीजियन में इस तरीके से पेनिनसुलर इंडिया को डिवाइड किए थे। आठ रीजन कौन कौन से थे? एक थी जो नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड थी, ये नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड का मतलब ये अरावली को कवर किया था, मालवा प्लेटू को कवर किया था और बुंदेलखंड को कवर किया था। जब भी आंसर लिखिए आप, इस आंसर में आप मैप जरूर बनाइए, मैप बना करके इसको एक तो साइड में आप इस टेबल को दिखाएंगे, साथ ही आप मैप भी दिखा देंगे ताकि एक बेटर क्लैरिटी सामने निकल करके आ जाए। दूसरे जो होते हैं हमारे वो साउथ सेंट्रल हाईलैंड है, जहां पर बुंदेलखंड आ गया, विंध्याचल बाघेलखंड का रीजन आ गया, मतलब जो हमारी कह सकते हैं कि यूपी का जो साउथ है और मध्य प्रदेश का जो एरिया है उस एरिया में आ जा रहे हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है छोटा नागपुर का प्लेटू, तो ये पूरे के पूरे तीन रीजन को कवर कर रहा है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन तीनों रीजन को ये कवर कर ले रहा है। फोर्थ रीजन पे आ जाता है जो हमारा मेघालय प्लेटू है, तो हम लोग चले गए मेघालय वाले साइड में, शिलोंग प्लेटू के साइड में। फिफ्थ नंबर पे आ जाती है जो नॉर्थ डेक्कन है, नॉर्थ डेक्कन में आपकी आ जाती है जो महानदी का बेसिन है, छत्तीसगढ़ का एरिया है, गर्जत हिल्स है और दंडकारण्य है, जो कि यहां पर देखिए लिखा भी हुआ है। फिर हमारी आ जाती है नेक्स्ट जो साउथ डेक्कन है, साउथ डेक्कन में आप आ जाएंगे तो कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु हाईलैंड के बारे में आप बता देंगे। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आगे आप बताएंगे बेसिकली क्या वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट के बारे में, एंड दिस इज हाउ सेवंथ वन वेस्टर्न घाट एंड एट वन ईस्टर्न घाट के बारे में हो जाएगा।
एंड दिस इज द होल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोफेसर एस पी चैटर्जी जो कि पेनिनसुलर अपलैंड के बारे में इन्होंने बताया। अगर एक एक के बारे में देखें तो बेसिकली हम मैंने क्या आप लोगों को बताया कि लिखना क्या होगा, आप यहां पर बताएंगे इनकी सबसे पहले लोकेशन क्या है, फिर इस लोकेशन के बाद आप बताएंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में जीटीएस, देन आप बताएंगे इसके प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज का मतलब इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस का मतलब जो भी मेटालिक या नॉन मेटालिक मिनरल हो जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देकर के आपको दिखाते हैं, जैसे मान लेते हैं अरावली के पास में, तो अरावली की लोकेशन आप बता देंगे इट इज द सेंट्रल, इट इज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द राजस्थान स्टार्टिंग फ्रॉम द गुजरात एंड एंडिंग टू द दिल्ली रियालो, तो दिल्ली तक ये एक्सटेंड कर रहे होते हैं द रीजन। अब यहां पर देखिए क्या बात करेंगे, अब यहां पर बात करेंगे द हिल्स आर द एज ऑफ आर्कियन एज या फिर प्री कैम्ब्रियन पीरियड एंड दैट इज हाउ द माउंटेन्स आर बीइंग टर्म्ड एज ओल्ड फोल्ड माउंटेन। तो आपने सबसे पहले लोकेशन के बारे में बता दिया, फिर आपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में बता दिया, अब देखिए आपको ये पता है कि ये राजस्थान के एरिया में है, तो आपको पता चल गया यहां पर मिनरल्स कौन कौन से पाए जाएंगे, वही हमारा पुराना ट्रिंग क्या बताएंगे जिंक लेट से घर बनाओ, तो आपको यहां पे पता चल गया लाइमस्टोन का रीजियन है, फिर आपको ये भी पता है यहां पर देखिए नमक का इलाका यानी सॉल्ट पैंस भी पाई जाएंगी, इसके अलावा क्वार्ट्जाइट भी पाई जा सकती है, सैंडस्टोन पाई जा सकती है क्योंकि पूरा इलाका धूल से भरा हुआ है, जिंक तो हो ही गया, लेड तो हो ही गया, कैल्शियम कार्बोनेट होता ही है, तो आप सीधे सीधे बता देंगे लाइमस्टोन, इसके अलावा मार्बल, तो आप बेसिकली एक पूरा का पूरा होलिस्टिक आंसर यहां पर आप लिख सकते हैं अगर इस तरीके से आप फॉलो करते हैं तो। तो देखिए अभी क्या है काफी एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है लेकिन इसको इजी बनाया जा सकता है अगर आप इस तरीके से थोड़ी सी क्लासिफिकेशन कर देते हैं तो। सिमिलरली देखिए अगला भी अगर क्लासिफिकेशन किया जाए, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, सिमिलरली क्लासिफिकेशन अगर किया जाए तो देखिए मालवा प्लेटू के बारे में आ जाएगा। मालवा प्लेटू आपको पता है कि दिस इज इन द जंक्शन ऑफ यूपी राजस्थान एंड मध्य प्रदेश का इलाका, इसके बॉर्डर पे आ जाता है, ट्राई जंक्शन पे आ जाता है, तो आप लोकेशन के बारे में बता देंगे, लोकेशन के बाद आप बता देंगे कि आप किस रीजन में बना है, तो आप क्या बता देंगे कि ये भी देखिए आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन पीरियड से जस्ट पहले की बात है, तो वहां पर ये लोकेशन पता चल गया, लोकेशन के साथ साथ जीटीएस पता चल गया आपको, जीटीएस के अलावा अब आप बता देंगे यहां पर मिनरल्स कौन कौन से है, तो देखिए ये इलाका राजस्थान गुजरात सॉरी राजस्थान यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, तो तीनों के इलाके आप बता दीजिए, तीनों में जो जो मिनरल्स पाए जा रहे हैं सारा ही आप उठा के लिख दीजिए, क्लियर हो गया क्या चीज है। सेम इसी तरीके से आप बुंदेलखंड के बारे में भी लिख सकते हैं, अपर गोंडवाना बेसिन का पार्ट है, लोकेशन आप बता सकते हैं और प्रॉपर्टीज के बारे में बता देंगे। विंध्याचल बागेलखंड अगेन सेम थिंग अपर, ये भी अपर गोंडवाना बेसिन में आ जाएगा। छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में बात करें तो देखिए ये आर्कियन ग्रेनाइट एंड ग्नीस रॉक विद पैचेस ऑफ धारवाड़ एंड गोंडवाना पीरियड, देखिए इन केस अगर आपको डाउट होता है नहीं समझ में आता है तो आप बेसिकली इस लाइन का यूज हर एक चीज में कर सकते हैं, जैसे अरावली वगैरह तो छोड़िएगा लेकिन बाकी हर जगह पे आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आप देखिए यहां पर थोड़ी सी क्लैरिटी रखिएगा और अगर आपको ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल नहीं समझ में आया तो हमारी पुरानी वीडियोज को जाकर के वापस से देखिए, काफी अच्छे तरीके से वहां पर आपको बताया गया है समझाया गया है। फिर आप मेघालय प्लेटू पे आ जाएंगे, कहेंगे कि दिस प्लेटू हैज अंडरगॉन phases of erosion, sedimentation, diastrophism and intrusion and this is how the plateau has elevated, तो इस तरीके से आप चीजों को बता देंगे, आप यहां पर अगेन बताएंगे कि कैसे ये आर्कियन से कैम्ब्रियन एज में किस तरीके से गया है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा आगे आप भी लिख सकते हैं, अगेन इसमें भी गोंडवाना पीरियड की बातें आ जाती हैं, क्लियर हो गया क्या चीज है, धारवाड़ गोंडवाना ये सब भी यहां पर लिख देंगे। फिर बाकी देखिए नॉर्थ डेक्कन के बारे में, जहां पर महानदी बेसिन, छत्तीसगढ़ प्लेन, गर्जत हिल्स और दंडकारण्य और इससे रिलेटेड आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताया गया है, लोकेशन आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बाकी जो इंपॉर्टेंस है इसकी वो ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है, ट्रिक के जरिए आप लिख सकते हैं। बाकी इसके बाद जियोग्राफिकल टाइम स्केल क्या है इसको मैंने सेपरेटली यहां पर मेंशन कर दिया है, देखिए यहां पर मैक्सिमम जो आपको मिलेगी वो मिलेंगी गोंडवाना या फिर धारवाड़ की हो रही होगी, बाकी देखिए आर्कियन से तो ये निकल के ही आ रहा है जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस ही किया था, तो आर्कियन और कडप्पा ये चला जाएगा महानदी के पास में क्योंकि ये सीधे सीधे आंध्र प्रदेश की कहानी चल रही है। छत्तीसगढ़ में जब आप आ जाएंगे तो गोंडवाना के बारे में बता देंगे, गर्जत हिल के बारे में बता देंगे, तो आर्कियन और गोंडवाना बता देंगे, दंडकारण्य गोंडवाना में बता देंगे, तो देखिए थोड़ा सा यहां पर आपको एक आइडिया लेने की जरूरत है और बेसिकली आपका जो भी पुराना जो भी इंट्रोडक्शन है, पुराना जो भी टाइम स्केल का पीरियड है वो याद रखना है।
साउथ डेक्कन के बारे में बात करें तो देखिए कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया और तमिलनाडु प्लेटू हो गए। इनके बारे में भी अगेन लिखा हुआ है, सेम वही लोकेशन, देन जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल एंड देन इसकी इंपॉर्टेंस बता देंगे आप। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखिएगा। वेस्टर्न घाट के बारे में बताया गया है कि दीज आर बेसिकली ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म ड्यू टू डाउन वार्पिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ लैंड इन टू द अरेबियन सी। तो ये क्या है कि पहले उठ गया है एंड देन इट हैज अंडरगॉन बीनीथ द अरेबियन सी, तो डाउन वार्पिंग के कारण से बेसिकली बन गया है हमारा ये ब्लॉक माउंटेन। ऑल दो इस पर अभी रिसर्च हो रही है एंड द फैक्ट इज नॉट क्लियर कि एक्चुअल में वेस्टर्न घाट बना कैसे है, क्या चीज हुई है, बट फॉर द टाइम बीइंग आप बोल सकते हैं कि ब्लॉक माउंटेन्स, ये वेस्टर्न घाट आर बेसिकली ब्लॉक माउंटेन्स विच आर फॉर्म ड्यू टू डाउन वार्पिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ लैंड इन टू द अरेबियन सी। ईस्टर्न घाट के बारे में अगर बात करें तो देखिए ईस्टर्न घाट आर सीरीज ऑफ डिटैच्ड ब्लॉक ऑफ हिल्स ऑफ हेटरोजीनियस कंपोजिशन विच आर कॉल्ड बाय वेरियस लोकल नेम्स। छोटे छोटे आप लोग देखे होंगे कि काफी ज्यादा यहाँ पर पासेज हैं और उन पासेज के जरिए काफी ज्यादा यहाँ पर हेटरोजीनियस कंपोजिशन है जिसके कारण से लोकल ट्राइब यहाँ पर लोकल नाम रख देती है। नंबर ऑफ हिल रेंजेस आर देयर, पालकोंडा, नल्ला मल्ला, जावादी हिल्स, शेवरॉय हिल्स, नंबर ऑफ रेंज यहाँ पर चीजें हैं जो कि यहाँ के लोकल ट्राइब के नाम पर ही पड़ जा रही होती हैं। द प्रीडोमिनेंट सीरीज आर कॉन्डोलाइट्स, फिर मेटामॉर्फोस सेडिमेंट्री एंड चर्नोकाइट्स। तो ये तरीके हो सकते हैं हमारे इस पूरे के पूरे ईस्टर्न घाट में। तो अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर ज्यादा है। सबसे पहले आप बताएंगे इसकी लोकेशन, देन आप बताएंगे इसका जियोलॉजिकल टाइम स्केल, देन आप बता देंगे इंपॉर्टेंस इसकी कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, एंड दैट इज हाउ यू विल कवर दिस पेनिनसुलर जो भी अपलैंड है उसके क्लासिफिकेशन को। ना सिर्फ केवल पेनिनसुलर में बल्कि हम लोग आगे जब भी जो भी करेंगे टॉपिक उसमें सारा सेम ऐसे ही आपको इंक्लूड करना है। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पर आपको इंक्लूड क्या क्या करना रहेगा। एक तो आप पूरा का पूरा जो हमारा चार्ट है उस चार्ट को आप बताएंगे, और बेवजह का चार्ट मत बनाइएगा जो क्वेश्चन में पूछेगा, देन ओनली, अदरवाइज उतना ही केवल बनाइएगा जितना आपको क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड है, प्लस साथ में एक मैप जरूर आपको बनाना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा यू कैन राइट, अगर आप ये समझ गए हैं तो यू कैन राइट अ क्वेश्चन और इसको आप लिख करके हमें सेंड कर सकते हैं। इनफैक्ट देखिए आज आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो प्रिलिम्स की डेट है वो रीशेड्यूल होने वाली है, प्रिलिम्स जो है वो पोस्टपोन हो गया है। तो अभी क्या है, फिलहाल आप लोगों ने अगर प्रिलिम्स अच्छे से तैयार कर लिया है तब की बात कर रहा हूं मैं, अगर नहीं तैयार है तो आप वापस से प्रिलिम्स पे ही केवल लगिएगा। ज्योग्राफी तो देखिए मेंस तो जो है वो आप बाद में भी कर लेंगे, प्रिलिम्स पास होने के बाद भी कर लेंगे, और बाकी वो लोग जो 2020 को टारगेट नहीं कर रहे हैं 2021 को टारगेट कर रहे हैं, आपका सबसे पहला सोल मोटिव टारगेट होना चाहिए पहले अपना ऑप्शनल कंप्लीट करिएगा। तो दोज हु आर वॉचिंग फॉर 2021 के लिए एग्जाम देने के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आप लोग ज्योग्राफी को अच्छा खासा टाइम दीजिए, मतलब 7 to 8 hours आप दीजिए अपने पूरे के पूरे करिकुलम का है, ठीक है, या फिर बोल दीजिए कि 60% जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसका 60% टाइम ज्योग्राफी को दीजिए। बाकी जो लोग 2020 वाले हैं अगर वो प्रिलिम्स तैयार कर चुके हैं तब केवल आप अपना 30% टाइम ज्योग्राफी को दे सकते हैं, ऑप्शनल को दे सकते हैं, अदरवाइज फुल टाइम आप अपना प्रिलिम्स में दीजिए, ठीक है। अदरवाइज प्रिलिम्स अगर नहीं होगा बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए आगे जाकर के, काफी मोराइल आपका डाउन हो जाता है। चलिए खैर, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट, हम लोग अपने ज्योग्राफी पे वापस रोल बैक करते हैं। तो इस तरीके से चीजें आप करिएगा। क्लियर हो गया क्या चीज है? ओके, तो क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग के, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड रिलीफ डेवलपमेंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो जो भी पेनिनसुलर इंडिया में जो डेवलपमेंट हुई है वो आपको लिख करके बताना है। बेसिकली मैंने जो यहाँ पर बेसिकली पूरा डिस्कस किया है दैट यू हैव टू राइट, आपको कितने वर्ड में लिखना है, आपको लिखना है 300 words में। नाउ दिस इज अ चैलेंज, 300 words में कैसे लिखे, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और हम लोग जरा देखते हैं कि हमारे पेनिनसुलर इंडिया का खास बात क्या है, या फिर कह लीजिए कि प्रॉपर्टीज क्या है। तो बेसिकली हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, या फिर बोल सकते हैं इसको सेलियंट फीचर के बारे में। तो देखिए पूरा का पूरा सेलियंट फीचर एक तरीके से मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में यहाँ पर लिख दिया है, तो आप वन बाई वन करके चीजों को देख सकते हैं। लाइक फर्स्ट वन कि सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया आर लार्ज पैचेस ऑफ आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा एंड विंध्यन फॉर्मेशन इन विच रेड ब्राउन लैटेराइटिक सॉइल हैव डेवलप्ड ओवर टाइम, दीज सॉइल्स आर द बेसिस ऑफ रूरल इकोनॉमी। यू कैन ऑल्सो इंक्लूड हियर गोंडवाना भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, गोंडवाना का नाम गोंडवाना क्यों पड़ा? गोंडवाना का नाम गोंडवाना इसलिए पड़ा है कि एक्चुअल में आंध्र प्रदेश में यहाँ पर एक ट्राइब रहती है जिसका नाम है गोंड ट्राइब।
इस गोंड ट्राइब के कारण से ही इसकी रिसर्च होनी शुरू हुई थी, इस गोंडवाना का नाम इसीलिए गोंडवाना पड़ गया। क्लियर है? चलिए खैर, इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन और बॉक्साइट, गोल्ड, कॉपर, कोल, मैग्नीज, माइका। मतलब आप देख रहे हैं मैंने जो आपको ट्रिक बताई है, वो सारे ट्रिक के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन द ब्लैक अर्थ सॉइल आर वेरी प्रोडक्टिव एंड दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट, डेक्कन लावा के बारे में आप बात करना शुरू कर दिया है। दे आर वेरी प्रोडक्टिव एंड इंटेंसली गिवन टू कॉटन कल्चर, कोई दिक्कत नहीं है। द वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आर इमेंसिबल सोर्स ऑफ वुड टिम्बर, क्यों है? क्योंकि दे आर हैविंग डेसीडुअस फॉरेस्ट रेंज एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट रेंज, जिसके कारण से हमें काफी अच्छा वुड वगैरह मिल जा रहा होता है। द वेस्टर्न घाट्स आर रिच वाटर पोटेंशियल, सीधी सी बात है यहाँ पर मानसून की एक्टिविटी भी काफी हाई होती है और वाटर के सोर्स भी काफी ज्यादा अवेलेबल है। द रीजन विटनेस प्रेजेंस ऑफ डेसीडुअस फॉरेस्ट विच प्रोवाइड वैल्यूएबल ट्रीज आर टीक, सैंडल, रोजवुड, साल, इबोनी, बैम्बू एटसेट्रा, तो ये सारे के सारे हमारे पास चीजें मिल जा रही होती है। इनफैक्ट ये काफी हाईलैंड है, हाईलैंड के कारण से ही हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाती हैं, जैसे टी हो गई, कॉफी हो गई, या फिर हमारे स्पाइसेस हो गए, ये सारा का सारा हमें अगेन मिल जाता था। रिवर्स मेक फॉल एंड रैपिड दस प्रोवाइड आइडियल साइट फॉर डैम कंस्ट्रक्शन फॉर प्रोवाइडिंग हाइड्रो पावर प्लांट, क्योंकि सीधी बात है यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ वाटरफॉल्स आर देयर, जैसे जॉग फॉल है, ग्रसप्पा फॉल है, नंबर ऑफ वाटरफॉल्स आर देयर, जिससे हम लोग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। दीज इनहिबिट अ लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स एंड इन द थिकली वुडेड घाट। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए, यहाँ पर आ जाती है हमारी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आपको पता है कि हाईली बायोडाइवर्स है। इनफैक्ट वेस्टर्न घाट ये भी हमारी रीजन जो होती है काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को रखे हुई है। इनफैक्ट इसकी बायोडाइवर्सिटी के कारण से हम लोग इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो काफी ज्यादा है भी और काफी ज्यादा थ्रेट भी है एनवायरमेंट में, बाकी आप लोगों ने पढ़ाई होगा। देयर आर नंबर ऑफ हिल रिसॉर्ट्स ऑफ इमेंस सीनिक ब्यूटी ऑफ सेल्वरस क्लाइमेट विच अट्रैक्ट टूरिस्ट एंड फिल्म एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर, दिस इज हाउ द थिंग इज। मैक्सिमम मूवी आपने देखा होगा कि ऊटी में बन रही है तो कोई कहीं बन रही है, तो ये बेसिकली क्या है कि आपको एक सीनिक ब्यूटी भी प्रोवाइड कर देता है। तो दिस इज हाउ द थिंग इज, ये पूरे का पूरा हम लोगों ने प्रॉपर्टीज के बारे में देखा। इसके अलावा देखिए एक शॉर्ट छोटी सी चीज बताई गई है कि दिस सेंटर महाबलेश्वर, ऊटी, पंचमढ़ी, ये सारे के सारे भी जो होता है अगेन द्रविडियन कल्चर को शो कर रहे होते हैं और साथ में टूरिस्ट प्लेसेस भी बन जाते हैं। तो दिस इज हाउ द थिंग इज, पूरा का पूरा हम लोगों ने पेनिनसुलर इंडिया के बारे में देखा। पहले हम लोगों ने इसके ओरिजिन और फिजियोग्राफी के बारे में देखा, फिर हम लोगों ने देखा इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो बेसिकली यहां से दो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन ओरिजिन ऑफ फिजियोग्राफी को लेकर के सीधे पूछा जा सकता है कि डिस्कस करिए, उसके लिए मैंने आप लोग को बोला भी है कि आप लिख करके हमें सेंड करिए, देखते हैं कि किस तरीके से क्या गलतियां आप कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर में देखा पेनिनसुलर इंडिया की क्या प्रॉपर्टीज हैं। दिस इज हाउ द होल टॉपिक इज, हम लोग कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। किसी को कोई डाउट रहे टेलीग्राम के चैनल की लिंक नीचे दी गई है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद से कोई डाउट होता है तो काइंडली रेज योर डाउट्स देयर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।